sound till you came around. Yeah, you showed me colors, light in the darkness. You were the only thing I needed. Then we got older, but we stayed the same. Swear that we never lost the flame. No sorrow. सो फ्रेंड्स, आज मैं जा रहा हूँ हालंग बे पार्टी क्रूज के लिए. तो मैं हॉस्टल से निकल गया, निकल के मैं चीयर्स हॉस्टल पहुँचा. वहाँ से मुझे पिक किया इस बस से, मुझे ले के जाया जाएगा चीयर्स मतलब क्रूज का जो पियर है वहाँ पे. बस पे काफ़ी सारे लोग चढ़ चुके हैं, सभी पार्टी क्रूज के लिए जा रहे हैं. पीछे तो म्यूज़िक सुन ही सकते हैं, बस से शुरू हो गए हैं. बहुत धमाल मचेगा मुझे लगता तो यही है. अच्छा लग रहा है, ठीक है. मतलब पहले तो सिर्फ 5 आदमी थे, उतना क्या उसने था. अभी धीरे धीरे सब आ रहे हैं तो अच्छा लग रहा है. पीछे ऑलरेडी म्यूजिक बज रहा है, पीछे डांस तो शुरू हो ही गया है. ठीक है, पहले उतरते हैं, बोट पे जाते हैं, फिर देखते हैं ये लोग क्या धमाल मचाते हैं और आपका भाई भी क्या धमाल मचाते हैं. चलिए. मैंने चीयर्स हॉस्टल वियतनाम से हालंग बे पार्टी क्रूज का जो पैकेज है वो बुक किया था. मैं उनकी वेबसाइट का लिंक नीचे दे दिया हूँ और उसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. अभी अभी मैं बस से उतरा हूँ. यहाँ पे एक स्टॉप दिया है 15 मिनट का. ये मेरा बस है, ये उतर जुड़ा है, ये मेरा बस है. यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक दिया गया है. एक्चुअली हानोई से वो पियर तक, मतलब जहाँ से क्रूज डिपार्ट होगा वो पियर तक. हनोई से वो पियर तक जाने के लिए करीब 3 घंटे का टाइम लगता है. तो उसके बीच में एक स्टॉप दिया है जो कि 15 मिनट का है. यहाँ से आप टॉयलेट वगैरह कर सकते हैं. यहाँ पे अगर आपको बियर कॉफी वगैरह कुछ खाना पीने का सामान खरीदना है तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं. उसके बाद फिर आप चल जाइए, 15 मिनट का ब्रेक मिलेगा. ठीक है. भाई बस हनोई ओल्ड क्वार्टर से हालंग बे क्रूज पियर तक पहुंचने में करीब 2.5 घंटा लगता है. इस बस में मैंने कई दोस्त बनाए हैं और इसी दौरान मुझे समझ ही नहीं आया कि 2 से 2.5 घंटा कैसे गुजरा. करीब 2.5 घंटे के बाद हम लोग पहुंचे हालंग बे क्रूज पियर. तो फ्रेंड्स, मैं फाइनली पहुंच गया हूं. ये रहा मेरा बस और हर जगह पे ऐसा बैठने का जगह बना हुआ है. जहाँ पे हम लोग को पहले जाना पड़ेगा वहाँ पे हम लोग का क्या प्रोसेस है वो मैं आपको दिखाता हूँ. मैं जा रहा हूँ अंदर, मेरा अभी यहाँ से बैगेज निकलने वाला है. बैगेज लेके अंदर जाता हूँ, उसके बाद क्या प्रोसेस होता है मैं पूरा देख के आपको बताता हूँ. ओके, फिलहाल मैं जाता हूँ अंदर. अभी अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या रूम का या क्या फॉर्मेलिटीज क्या है वो पूरा चेक करने के बाद मैं आपको अपडेट करता हूँ. फिलहाल यहाँ पे मेरा नाम ही चेक करके मेरा रूम के साथ मतलब रूम क्या अलॉट करेगा ये सारा का सारा चीज़ मुझे पूछा गया कि मेरा साथ, मैं अकेला हूँ, सोलो ट्रेवलर हूँ,
तो मेरे साथ किसी को रूम शेयर करना पड़ेगा, तो मेरे साथ किसी को रूम शेयर करना पड़ेगा, तो मुझे कोई प्रॉब्लम है कि नहीं वो पूछ लिया। अभी हम लोग का जो क्रूज है वो आया नहीं, या फिर आया होगा लेकिन हम लोग को यहाँ पे वेट करने के लिए बोला गया है, तो हम लोग सभी यहाँ पे वेट कर रहे हैं। देख सकते हैं पीछे मेरा सब वेट कर रहे हैं, तो नाम चेक इन हो रहा है, उसके बाद हम लोग जाएंगे क्रूज पे। तो क्रूज कैसा होता है, क्रूज में क्या धमाल मचता है, उसके लिए दोस्तों इस वीडियो पे बने रहिए। और एक बात, प्लीज 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 लाइक सब्सक्राइब एंड डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो, राइट? सो थैंक यू फ्रेंड्स, चलिए क्रूज पे चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हम हालोंग बे पार्टी क्रूज पर जा रहे हैं और एक्साइटमेंट एंड एनर्जी हर किसी में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। देखना यह है कि क्रूज आने के बाद जब पार्टी शुरू होगी तो ये एक्साइटमेंट और एनर्जी किस स्तर पर पहुंचेंगे। पियर से हम सभी को इस छोटी नाव द्वारा हालोंग बे पार्टी क्रूज पर ले जाया जाएगा। इस छोटी नाव में 15 मिनट के यात्रा के बाद हमें अपनी पार्टी क्रूज दिखाई देती है। क्रूज में प्रवेश करते ही मैंने एक विशाल ढका हुआ जैकुज़ी देखा। हमारे ग्रुप के अलावा और भी बहुत सारे ग्रुप थे जो हमसे पहले क्रूज पहुंच चुके थे। बहुत बड़ा जगह है, ह्यूज प्लेस, पूरी बोट डिफरेंट कंट्री से आए डिफरेंट फॉरेनर से भरी हुई है। मैंने कुछ भारतीयों को भी यहाँ पे देखा। क्रूज पहुंचने पर हमें वेलकम ड्रिंक दिया गया। सो फ्रेंड्स, क्रूज पे आ गए हैं, तो यहाँ पे रात को धमाल मचेगा, पहले से ही देख लीजिए प्लेस को, रात को पहचान नहीं पाएंगे शायद से। और एक वेलकम ड्रिंक दिया गया है जो कि गुड, अच्छा माय फ्रेंड। हेलो हेलो, सब्सक्राइब सब्सक्राइब टू हिज चैनल। तो चलिए बाहर देख कैसा है देखते हैं। यहाँ पे जैकुज़ी का बंदोबस्त किया है। Your table, and we are going to have some lunch. All right, the lunch is going to be served at 1 o'clock, which means it's about 5, 4, yeah, a few more minutes. All right. So yeah, after lunch, we are going to have some kayaking activity. Let's also move. The jacuzzi, perfect. Yes. Home sweet home. Yes, good. Wow. So cool. Do you guys have a preference? No. Probably not going to sleep much today anyway. Yeah, that's a good point. We probably won't sleep much. So, which bed? You're taking this? Yes, no problem. So friends, room mein pahunch chuka hun. Room bahut sahi hai. Teen bed diya gaya hai. Hum tino single aaye hain, to hum tino ko ek hi बेड शेयर करना है, मतलब सॉरी एक ही बेड नहीं, तीन बेड अलग अलग है, बुरा मत मानिए और गलत मत सोचिए। एक्चुअली ये तीनों बेड हम लोगों के लिए दिया गया है, तीन पानी का बोतल दिया गया है, यहाँ पे बाथरूम है और यहाँ पे है बैल्कनी। मैं आपको बैल्कनी दिखाता हूँ, ये रहा बैल्कनी, यस। सो ये रहा बैल्कनी,
जहाँ पे ज़्यादातर टाइम गुजरने वाला है। बहुत सही जगह है यार, बहुत सही जगह है। अब सिर्फ ये जो व्यू है इसे देखिए, और ये वाला जो छोटा वाला बोट है ये हम लोग के साथ हमेशा रहेगा। यही इसमें ऐसे पानी में ड्राइव करना है, कुछ भी पानी में कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी या वाटर एक्टिविटी करना है तो उस बोट से करना है। अभी हम लोग लंच करने बैठे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आके ये पूछ लिया कि हम लोग क्या खाएंगे, हम लोग का फूड प्रेफरेंस क्या होगा। तो जैसे मैं सी फूड ले लूँगा, चिकन बीफ और पॉर्क ले लूँगा, मैं सिर्फ चिकन अंडा और वेजिटेबल में रहूँगा, तो वही मैं यहाँ पर ऑर्डर कर दूँ, तो थोड़ा देर बाद आके सब करके देंगे। पहले लंच कंप्लीट करते हैं, उसके बाद मैं आपको पूरा व्यू दिखाऊंगा। यहाँ से लंच करते हुए ये जो व्यू है बहुत क्लासी है। गुड, ये बहुत ही अच्छा है। यहाँ पे खाने पीने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप नॉनवेज हो, वेजिटेरियन के लिए थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन नॉनवेज के लिए यहाँ पे मतलब बहुत सारा ऑप्शंस है। फ्रेंड ड्रिंक्स के लिए कोक ऑर्डर किया हूँ, तो ये इंक्लूड नहीं है, इसका अलग से पैसा देना पड़ेगा। तो या श्योर, ओके ओके। तो फ्रेंड्स लंच कंप्लीट करके अभी हम लोग जा रहे हैं काइकिंग के लिए। ऑलरेडी यो ये रेडी टू स्कोर। तो अभी हम लोग जा रहे हैं काइकिंग के लिए। दो हिस्सों में काइकिंग होगा, एक अभी एक ढाई बजे के बाद। Bye, baby. How are you? Amazing. The kayaking trip was 10 out of 10. Amazing. I'd say 9.5. We almost broke. Anyone? It was great. I had some fat bastard in the back of the boat. Alright, all the way to Dubai. You won't steal your lungs. I thought we were going to be like everything else I do, it only lasts 12 seconds. Yeah, get him finished.